हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल क्लास में। मैं हूँ जीशान। दोस्तों, जो काउंसलिंग का जो लिस्ट आया है उसके बाद से सभी विद्यार्थी बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इतने इतने नंबर लाया है आदमी कि लोग परेशान हैं। कि और वो इतना नंबर सभी बोल रहे हैं मुझे कमेंट करके कि बिहार में जो डिग्री वाले हैं 70-75 लाना बहुत ही मुश्किल है, और लोग यहाँ पर 80-85-90-99 तक जो बताया कि यहाँ पर नंबर लाया है काउंसलिंग लिस्ट में, और सभी बोल रहे हैं मुझे कमेंट करके कि सर ये फेक है, और उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और वो लोग नहीं पहुँचेंगे तो सीट जो है दोस्तों वो खाली रह जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा। तो मैं इस पर बात करने वाला हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर एक आया था लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यू टू एप्लीकेशन इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, यानी जिसका भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, आवेदन दिया था, तो उसका रिजेक्ट कर दिया है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी कि अभी जो काउंसलिंग लिस्ट है उस लिस्ट में एक एक आदमी ने डबल डबल एंट्री किया है, और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जोर दबाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि ये जो है काउंसलिंग लिस्ट मैंने खोला हुआ है, ये गया डिस्ट्रिक्ट का है, और गया डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मार्क है 93.3 है। ये है आपका टेक्निकल असिस्टेंट का, मैं ये आपको बता रहा हूँ, सारे जो है उसी पोस्ट के बताऊँगा। और बहुत सारे जो मुझे कमेंट करते हैं उनका कहना है इतना नंबर कोई ला ही नहीं सकता, इतना नंबर आना बहुत मुश्किल है, 70-75-80 तक आते आते आदमी का पसीना छूट जाता है, लेकिन ये सब यहाँ जो है लोगों ने 90 पार कर दिया है। पता नहीं कहाँ से डिग्री पास किया है, फेक है कि ओरिजिनल है, ये पता चलेगा काउंसलिंग के बाद। चलिए हम देखते हैं जो हमारा है कि इस लिस्ट में जो है डबल डबल जो लोगों ने नाम दिया है, देखिए चल दिखाते हैं, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से फटाफट नज़र आ सके। ये देखिए, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है 112-13 नंबर पर, आप जो भी गए के अगर देख रहे हैं तो वो देख लीजिएगा आप, आपका 80.33 दोनों है, और नाम है आपका सचिन कुमार, और जो पिताजी हैं उनका नाम है प्रमोद कुमार, और यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, कैटेगरी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ जो एप्लीकेशन नंबर अलग है, क्योंकि ऑटोमेटिक है वो डबल एंट्री करेगा, आपको जो नंबर है वो अलग होगा ही, और देखिए सब कुछ सेम है, डबल एंट्री है। अब बताइए अगर काउंसलिंग में अगर बुलाएगा आपका एसटी कैंडिडेट को अगर सिरली भाई, तो ये दो बार ऑटोमेटिक है, जब इसका नाम आया तो इसको वो ऑटोमेटिक बुलाएगा ही, तो इसमें क्या होगा कि जो इसके बाद वाला है उनका जो चांस है वो कम हो जाएगा। बताइए कितना ज़्यादा ये लोग जो मतलब कोताही बरता है काउंसलिंग लिस्ट को बनाने में, विभाग वाला ध्यान से नहीं बनाया गया है। देखिए दूसरा नेक्स्ट है अंकित मेवादा, पिता का नाम विक्रम सिंह मेवादा, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, चालांकि क्या किया है कि आपने डेट ऑफ बर्थ को अलग कर दिया है, 2 जनवरी 98 कर दिया है, यहाँ पर 99 कर दिया है, देखिए यहाँ पर मार्क्स सेम है। इस तरह से दोस्तों बहुत ज़्यादा एंट्री हुआ है। चलिए हम दिखा रहे हैं गया जिला में तो बहुत ज़्यादा ही डबल एंट्री हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए सबसे पहला, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं 76.9 डबल है। ये देखिए वीरेंद्र कुमार, पिता का नाम गंगो प्रसाद, ये देखिए इसने भी डेट ऑफ बर्थ को अलग कर दिया है 93-94। देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए अगर ये डबल एंट्री है, अगर मान लीजिए अलग अलग होता यहाँ पर मार्क्स अलग होना चाहिए, लेकिन देखिए मार्क्स भी सेम है, तो ये इसने डबल डबल एंट्री किया है, और जो लिस्ट बनाया है उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। तो मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट है दोस्तों ये चेंज होना चाहिए, और फिर से एक काउंसलिंग लिस्ट आना चाहिए। ये देखिए उसके बाद आपका आकाश कुमार, आकाश कुमार पिता का नाम राकेश कुमार, देखिए यहाँ पर इसने डेट ऑफ बर्थ अलग कर दिया है 10 अगस्त 97 या 8 अक्टूबर 97, और देखिए यहाँ पर मार्क्स सेम है, ये डबल डबल एंट्री किया है। मान लीजिए अगर नाम या पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, लेकिन सेम नंबर ये थोड़ा पछता नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये देखिए शिवांशु श्रीवास्तव डबल डबल नाम है, पिता का नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव, देखिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम है 19 सितंबर 96 96 जनरल कैटेगरी में है, देखिए यहाँ पर मार्क्स भी सेम है 72.36। ये देखिए इस तरह से आपका जो काउंसलिंग लिस्ट है उसमें डबल डबल एंट्री हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अभिषेक कुमार है, ये देखिए
पिता का नाम सुरेंद्र कुमार, डेट ऑफ बर्थ सेम है 20 मई 1957। देखिए यहाँ पर मार्क्स भी सेम है 72.18। तो गया जिला में बहुत ज़्यादा डबल इंट्री हुआ है और ये सबका मार्क्स भी बहुत हाइस्ट है, इसका कौशन लिस्ट में बुलाया जाएगा। इसमें क्या है कि जो इसके नेक्स्ट वाले हैं उनका जो चांस है वो कम हो जाएगा। कौनसी लिस्ट में जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, जो भी बनाए हैं उनको ध्यान रखना चाहिए इस सब चीज़ का। जिस तरह से एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में डबल एंट्री हुआ उनको छाँट दिया, तो इस तरह भी इनको छाँटना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर पूजा कुमारी, उनके पिता का नाम सूर्यदेव कुमार निराला, देखिए डेट ऑफ बर्थ सेम है 25 अगस्त 1999, BC कैटेगरी में है 68.76। देखिए यहाँ पर डबल डबल एंट्री हुआ है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए विकास राज, देखिए इसने क्या चाणक्य किया है, यहाँ पर डॉट लगा दिया है और यहाँ देखिए नीचे में दिया है विकास राज, पिता का नाम सेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है। यहाँ क्या किया है थोड़ा सा, इसने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट में नंबर अलग कर दिया हल्का सा, देखिए 67.62 है या 67.59 है, बिल्कुल ये घपलाबाजी हुआ है ये लिस्ट में जो बनाया है, आँख मूंद के बनाया है। इसको ध्यान देना चाहिए सरकार को, विभाग को। एक तो इस तरह नौकरी आदमी को मिलता नहीं है, ऊपर से जब कोई वैकेंसी आता है तो बहुत ज़्यादा फर्जीगिरी होता है जो कि कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। देखिए 62.4 मार्क्स है। श्रवण कुमार, पिता का नाम सुशील कुमार सिंह, 13 मार्च 1992, यहाँ पर अलग कर दिया है 13 मार्च 1993। ये देखिए यहाँ पर डबल डबल एंट्री किया है। ये था दोस्तों गया डिस्ट्रिक्ट का। अगर आपको और भी कोई मिलता है तो हमें बताइए। चलिए आप देखते हैं आगे बांका डिस्ट्रिक्ट का। ये देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए जो मनसो नाम डाल के एंट्री कर दिया है, नंबर देखिए 98.35, पूरा फर्जी है। GS 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 सुरेश कुमार बापू नाम, देखिए SRF SRF GG बापू नाम FFY, मैंने जो मन किया वो भर दिया, फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। लिस्ट में बहुत ज़्यादा ये फर्जीगिरी हुआ है और डबल एंट्री भी हुआ है। मुझे लग रहा है कि लिस्ट चेंज होना चाहिए, और आप लोगों को क्या लग रहा है अपना राय जरूर बताइए। ये देखिए डबल एंट्री यहाँ पर, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको बांका डिस्ट्रिक्ट का। ये देखिए अनुज कुमार, पिता का नाम बाबूलाल मांझी, 2 फरवरी 1991 को जन्म हुआ है इनका। ये देखिए 70.87, ये जो है बिल्कुल फर्जी है इनमें, इसमें जो एक ही है। आगे देखते हैं औरंगाबाद, औरंगाबाद में ये देखिए औरंगाबाद में 65 है मार्क्स। मोहम्मद इमरान हुसैन, पिता का नाम हुसैन अहमद, देखिए डबल डबल एंट्री इसमें कैसे हुआ, आपको चेक करना चाहिए। जो इसको लिस्ट बनाए हैं इसमें पूरा धांधलीगिरी हुआ है। ये देखिए आपका नेक्स्ट है 61.2 मार्क्स लाया है कामरान खान, पिता का नाम मोहम्मद फत्ता खान, इसका जो है डेट ऑफ बर्थ भी सेम है 20 जनवरी 1992। इस तरह दोस्तों पूरा धांधलीगिरी हुआ है। आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट पटना में, ये देखिए पटना में जो है आपको इसमें क्या फर्जी है। देखिए यहाँ पर मैंने निकाला खोज के, देखिए 66 में 19 में कांजी लाल माली, पिता का नाम क्या है फ़ोन नंबर। वाह, ये तो पहली बार देख रहे हैं कि पिता का नाम किसी का फ़ोन नंबर होता है। वाह, आप लोगों में किसी को कहे क्या, ये पूरा फर्जी है पूरा, और डुप्लीकेट भी एंट्री किया गया है। गया में तो आप देख भी किए कितना ज़्यादा डुप्लीकेट एंट्री हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि लिस्ट बनना चाहिए, इसके लिए क्या कीजिए आप लोग। जो भी पंचायती राज विभाग है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो आया है काउंसलिंग के संबंध में जो लेटर है, यहाँ देखिए यहाँ पर साफ लिख रहा है कि सभी अभ्यर्थी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय से अग्रेतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये चेक कीजिए, यहाँ पे फेक है या डुप्लीकेट एंट्री हुआ है। अगर आप लोग को अपना काउंसलिंग करवाना है तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी से मिलिए और लिस्ट लेके मिलिए और बताइए कि इसमें पूरा धांधली हुआ है, पूरा आपका मिलीभगत है और सबको जो है इतने इतने नंबर वाला, जो कि जहाँ मन तहाँ से डिग्री लेके 2 महीने में 4 महीने में डिग्री लेके इतना इतना नंबर लाया है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने दिखाया अभी डबल डबल एंट्री आखिर कैसे हुआ, जब आप चेक किए तो फिर डबल एंट्री वाले को यहाँ पर जगह दोबारा क्यों मिला गया, इसमें क्या है जो उसके बाद वाले नाम है उनको जगह नहीं मिलेगा काउंसलिंग में। दोस्तों आप लोग जोर कीजिए, वरना अभी काउंसलिंग में टाइम है लगभग 20-25 दिन, वरना आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है कि जो जेन्युइन डिग्री वाले हैं
सही से पढ़ाई किए हैं, उनका मार्क्स किसी वजह से थोड़ा सा नंबर कम है, उनके बाद अगर नेक्स्ट में आता है हाई मार्क्स के बाद तो उनको काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि हाई मार्क्स जो जो फेक डिग्री लिए हुए हैं या जो डबल डबल एंट्री हो गया उनको अगर बुलाया जाएगा तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे तो आपको जो है नाम छूट सकता है। तो आप लोग जिला में सभी डिस्ट्रिक्ट वाले जिला में जो पंचायत राज पदाधिकारी हैं उनसे मिलिए और ये जो कंप्लेन है उनको साथ एक चिट्ठी बनाइए और उसमें लिखिए। और दोस्तों अपना राय जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक कीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में डुप्लीकेट नाम है कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट का बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने तीन चार आपको दिखा के बता दिया। और आप अपना चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना डुप्लीकेट नाम है, और जो मैंने दिखाया कि पिता का नाम, फ़ोन नंबर है, FFY, जो मन शुभ मन हुआ डाल दिया, आप में कितना है वो चेक करके मुझे जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैंने जो मेहनत किया आप लोगों के लिए उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।